नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार। आप है न्यूज फोर नेशन पर। बिहार की चार सीटों पर उपचुनाव होने, ये चार सीटें जहां पर, ये चार सीटें वो हैं जहां पर लोकसभा चुनाव में जो वहां के सीटिंग विधायक थे वो सांसद बन गए, रामगढ़, तरारी के साथ साथ बेलागंज और रिमानगंज। इन चार सीटों पर महागठबंधन बनाम एनडीए जो है वो चुनाव लड़ेगा। एनडीए में तय हो चुका है कि कितनी सीटों पर कौन कौन लड़ेगा। बीजेपी कुल दो सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, जिसमें तरारी के साथ साथ जो है रामगढ़ शामिल है। तो इमामगंज और राम के साथ साथ जो बेलागंज है, इस सीट पर जदयू और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा क्रमशः चुनाव लड़ेगी, क्योंकि उन्हीं लोगों की ये सीट मानी जाती है, या फिर वहाँ से वो चुनाव लड़ते रहे हैं। जीतनराम मांझी की सीट खाली हुई है इमामगंज, और वहाँ पर चुनाव कौन लड़ेगा इस पर बहुत सस्पेंस है। परिवार में जो खबर निकल के सामने आ रही है उसमें महाभारत चल रही है। बेटा कुछ चाहता है, बाप कुछ और चाह रहा है, यानी कि जीतनराम मांझी कुछ और चाहते हैं, बेटे संतोष सुमन कुछ और चाहते हैं। अंदर में चल क्या रहा है, होगा क्या, इन्हीं तमाम चीज़ों को डिकोड करेंगे इस वीडियो में। देखिए, चार विधानसभा की सीटें हैं और इन सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं, जिसमें 25 तारीख को नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है, 13 नवंबर को छठ पूजा की समाप्ति के बाद जो है उस पर वोट डाले जाएंगे, और जब महाराष्ट्र और साथ ही साथ झारखंड के चुनावी नतीजे आएंगे तो उसी दिन इन उपचुनावों में के भी नतीजे आएंगे। और उसके लगभग अब बात आप मानी चलिए कि वक्त पर बिहार में चुनाव होता है तो 10 महीने के बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव हो रहे होंगे। ऐसे में इन उपचुनावों को बिहार के विधानसभा चुनाव के पहले का सेमीफाइनल कहा जा रहा है, कुछ कुछ वैसे ही जैसे वर्ल्ड कप में होता है। इस बार नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव की चुनावी लड़ाई होने के आसार जताए जा रहे हैं 25 में, लिहाजा उसके पहले हर कोई जोर आजमाइश में लगा हुआ है। और हर सीट को जीतना इसीलिए किसी भी गठबंधन के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इसके जीतने से एक तरीके से कहें कि मेंटली जो है एक माहौल बनाने में कामयाब हो पाएगी जो जीत करके आती है। दिवांशु हमारे साथ मौजूद हैं। दिवांशु, लगभग सीटों पर तय है, लेकिन इमामगंज में जो खिचड़ी है वो क्या पकड़ी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जीतनराम मांझी वहाँ से लगातार जो है वो जीतते रहे। बड़ी बात यह है कि जीतनराम मांझी अब सांसद होकर केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, अपने ही परिवार को टिकट देना ये तो क्लियर है, लेकिन देना किसको ये तय नहीं कर पा रहे। तो महाभारत है, तो वो अंदर में जो घर के अंदर जो महाभारत चल रही है वो क्या है और किस पशुपेश में फंसे हुए हैं मांझी या फिर उनका पूरा परिवार। देखिए, आज 17 तारीख है, 17 नवंबर है, और 25 नवंबर जो है वो बिहार उपचुनाव के लिए नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। मतलब जिनको चुनाव लड़ना है वो 25 तारीख को जो है वो नॉमिनेशन जो है वो कर देंगे, ये तय है, ठीक है। लेकिन इंटरनल तौर पर देखिए, कहने वाले कहेंगे कि ठीक है महागठबंधन हो चाहे एनडीए हो, दोनों तरफ से अभी उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया गया। ये सही है, उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन सबको पता है और पूरे क्षेत्र के लोगों को भी पता है कि कौन उम्मीदवार इस बार होगा। जिनको चुनाव लड़ना है वो कैंपेनिंग जो है वो खुलकर कर रहे हैं, और हर सीट का अगर आप हमसे पूछिएगा तो हम बता देंगे कौन है उम्मीदवार। लेकिन बात जब इमामगंज की आती है, बात जब इमामगंज में एनडीए के साइड की आती है, तो बस ये पता तो है कि हम पार्टी लड़ेगी चुनाव, लेकिन हम पार्टी में कौन चुनाव लड़ने जा रहा है ये क्लियर नहीं है। तो ये क्लियर इसलिए नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं जीतनराम मांझी के घर में ही महाभारत छिड़ी हुई है, और पिता पुत्र में जो है वो महाभारत छिड़ी हुई है। पुत्र यानी कि संतोष मांझी, जो हमारे सूत्र बताते हैं कि संतोष मांझी चाहते हैं कि उनकी पत्नी दीपा मांझी जो है वो बिहार उपचुनाव में जो है हाथ आजमाए, चुनाव लड़े। तो पिता यानी कि जीतनराम मांझी चाहते हैं कि उनके छोटे बेटे जो कि बिजनेसमैन भी हैं और इलाके में भी रहते हैं और घूम भी रहे हैं, ऐसे भी घूमते ही हैं इलाके में, ऐसा कुछ नहीं है। प्रवीण मांझी, तस्वीरें हम स्क्रीन पर चला रहे हैं, और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ना, ये पुरानी तस्वीरें नहीं है, और ये इधर उधर की तस्वीरें नहीं है, ये इमामगंज से आई हुई तस्वीरें हैं। आज से अभी से, मतलब कहेंगे अभी से थोड़ी देर पहले की, कुछ घंटे की पहले की तस्वीरें हैं, और इमामगंज में है जीतनराम मांझी के छोटे लाडले, और क्या कर रहे हैं, जाहिर तौर पर अगर इमामगंज में है तो घूम भी रहे हैं, फिर भी रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क भी कर रहे हैं। हाँ, उस तरीके से नहीं कर रहे हैं कि जिस तरीके से अगर आप ये देखने से कह दें कि हाँ ये चुनाव लड़ने वाले, लेकिन हाँ वो क्षेत्र में बने हुए हैं। तो जो मेरे पास जानकारी है कि पिता यानी कि जीतनराम मांझी चाहते हैं कि उनके छोटे बेटे जो हैं वो चुनाव लड़ें, लेकिन बड़े बेटे संतोष मांझी चाहते हैं कि उनकी पत्नी दीपा मांझी जो है वो चुनाव लड़ें, और इसलिए अभी तक जो है वो इंटरनल तौर पर ही तय नहीं हो पाया है। तो इस हो पाया कि कौन चुनाव लड़ेगा इमामगंज से एनडीए की साइड से, इसलिए एक्सटर्नल तौर पर भी जानकारी जो है सूत्रों के हवाले से बाहर नहीं आ रही, यही खबर है। लेकिन जिस तरीके से देखिए, अगर मांझी फैमिली में अगर देखें तो एक दामाद भी हैं देवेंद्र मांझी, जो चुनाव लड़ चुके हैं हम पार्टी की तरफ से 2020 में,
तो कुछ लोग कह रहे थे कि हो सकता है कि वो भी चुनाव लड़े, लेकिन दामाद देवेंद्र मांझी को लेकर मैं क्लियर कर दूं रोहित कि देवेंद्र मांझी जो हैं कोई भी लड़े, या तो उनकी बेटा चुनाव लड़े या बहू लड़े, इन्हीं दोनों में से एक को चुनाव लड़ना ये तय है, लेकिन उनके दामाद देवेंद्र मांझी ये तय मानिए रोहित, इमामगंज से जीतन राम मांझी के दामाद देवेंद्र मांझी चुनाव जो है वो नहीं लड़ेंगे, ये तय कन्फर्म है। अब बस अब दिक्कत ये हो रही है कि बेटा लड़ेगा या बहू लड़ेगा, परिवार के अंदर ये अभी जो है वो कहीं ना कहीं एक राय जो है अभी तक नहीं हो पाया। आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो 17 तारीख है, 25 तारीख को नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, और मुझे लगता है कि एक दो दिनों में ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है एनडीए की तरफ से जो है वो लेटर जारी कर दिया जाएगा, तो ज़्यादा वक्त नहीं है। और आज जीतन राम मांझी चंडीगढ़ में थे, हरियाणा के सीएम का औहदा था, तो बिहार के सभी नेता, चाहे सम्राट चौधरी हों, विजय सिन्हा हों, चिराग पासवान हों, जो भी एनडीए बिहार एनडीए के जो नेता हैं, वो ललन सिंह हो, तमाम लोग जो हैं वो चंडीगढ़ में थे, जीतन राम मांझी भी आज चंडीगढ़ में है, और देर रात वो लौट आएंगे दिल्ली, उसके बाद कहा जा रहा है एक से दो दिन, ज़्यादा वक्त अब नहीं लगना चाहिए। मुझे लगता है कि ओवरऑल 20 तारीख तक क्लियर कर देंगे कि बेटा लड़े या बहू लड़े। लेकिन देखिए, हर पिता की एक ख्वाहिश होती है कि उनके पुत्र जो है, उनके बेटे जो हैं वो सेटल हो जाए, सभी बेटे सेटल हो जाए, ये बहुत कॉमन सा चीज़ है, सबों का होता है। तो जीतन राम मांझी भी चाहते हैं कि उनके छोटे बेटे जो है वो सेटल हो जाए, हालांकि वो सेटल है, वो बिजनेसमैन है, ऐसा नहीं है कि वो बेरोजगार है, अच्छे से रोजगार कर रहे हैं, अपना अच्छा से उनका काम धंधा सब कुछ चल रहा है, लेकिन वो चाहते हैं कि राजनीतिक रूप से सेटल हो जाए। और ये लग भी रहा है थोड़ा सा, अगर मैं कहूँ कि दीपा मांझी और प्रवीण मांझी में किनका पल्ला भारी, तो मुझे यहाँ से अभी भी लग रहा है कि प्रवीण मांझी का पल्ला भारी है। लेकिन प्रवीण मांझी दीवांशु, लेकिन कभी वो सक्रिय तौर पर राजनीति दिखे भी नहीं। दीपा मांझी का तो मुझे याद है कि जब बिहार में सरकार बदल रही थी और उसके बाद जब रोहिणी आचार्य बहुत अग्रेसिव हो गई मांझी और उनके परिवार पर या नीतीश कुमार पर, तो मोर्चा संभाल लिया था उन्होंने सोशल मीडिया पर। मतलब पहली बार एक हाउस वाइफ महिला जो है वो अचानक से सोशल मीडिया पर अवतरित होती है और रोहिणी पर अटैक करती है, मतलब लालू यादव की बेटी पर। तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि बेटे का पलड़ा ज़्यादा भारी है, हाँ। तो क्या संतोष सुमन मान जाएंगे इस बात पर कि उनकी पत्नी को ना देकर उनके भाई को मौका मिले? देखिए, आपने सही कहा कि दीपा मांझी जो है वो राजनीतिक रूप से सक्रिय कुछ वक्त तक रही हैं, हालांकि जब रोहिणी आचार्य ने किडनी डोनेट किया उसके बाद एक ट्वीट आता है और वो कहती हैं कि आज के बाद से मैं रोहिणी आचार्य पर कुछ भी हमला जो है वो नहीं बोलेंगी, क्योंकि उन्होंने अपने पिता को किडनी दान किया, एक सम्मान था जो भी आप इसे कह लें अपनी भाषा में। उसके बाद दीपा मांझी कभी उस तरीके से राजनीतिक तौर पर सक्रिय नहीं रही। इसी न्यूज़रूम में रोहित एक बार संतोष मांझी आए थे और हमने ये सवाल उनसे किया था कि आप मना कर रहे हैं क्या दीपा मांझी को पॉलिटिक्स में आने से, तो उन्होंने उस वक्त जो है वो जवाब दिया था कि मैं क्यों मना करूंगा, और दीपा मांझी की माँ विधायक हैं, ठीक है, और वो हम पार्टी से ही विधायक हैं, तो ऐसा है कि लड़ सकती हैं। लेकिन मेरा जो पॉइंट हो सकता है कि देखिए, ये पल्ला भारी होने की वजह कोई तर्क ये है कि प्रवीण मांझी जो हैं वो क्षेत्र में हैं, दीपा मांझी जो हैं वो नहीं गई हैं, मतलब नहीं गई हैं तो नहीं गई हैं, बहुत वक्त से नहीं गई हैं, लेकिन प्रवीण मांझी जो हैं वो क्षेत्र में बने हुए हैं, तो इस वजह से कह रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर बात मतलब कि अगर मांझी फैमिली में आए तो मुझे लगता है कि चलती तो ज़्यादा जीतन राम मांझी की होगी, लेकिन अगर बेटे हैं, अगर अड़ जाएँ तो बात कुछ और हो सकती है। लेकिन अभी भी मैं यही कहूँगा कि पल्ला भारी है, टिकट किसी को भी मिल सकता है, एक दो दिन में जो है वो निर्णय जो है वो हो जाएगा कि इमामगंज से टिकट जो है वो किसे मिलेगा, जीतन राम मांझी के छोटे बेटे प्रवीण मांझी को मिलेगा कि जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी को मिलेगा। लेकिन हाँ, ये तय है कि मिलना इन्हीं दोनों में से एक को है। और एक बात और, इमामगंज सीट एक तरह से कहें कि चार सीटों पर लोकसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जहाँ पर थोड़ा सा नेक टू नेक फाइट होने की इस बार आशंका, जैसे कि तरारी को ही आप रख ले, तरारी में क्या होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये अभी कह नहीं सकते। लेकिन इमामगंज एक ऐसी सीट है कि अभी से यहाँ थोड़ा सा कहने में थोड़ा संकोच कम हो रहा है कि ये सीट पर जो है एनडीए वाले जो है स्ट्रॉन्ग जोन में है, स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग में है यहाँ पर जो है वो, तो इसलिए कि अगर यहाँ से कोई भी लड़े हम पार्टी से, उसके उम्मीदवार के जीतने की प्रबल संभावना, बेटा लड़े बहू लड़े, जनता को इससे ज़्यादा कोई ये नहीं, कोई बाहरी तो है नहीं, तो ये है। और कुल मिला कहें कि परिवार के अंदर महाभारत वाली स्थिति है रोहित।
देखिए परिवार में महाभारत वाली स्थिति है, लेकिन इमामगंज में स्थिति क्या रहती है 2010 के चुनाव के नतीजे बताते हैं। वहाँ पर उदय नारायण चौधरी जदयू से चुनाव लड़के वहाँ पर आए, जीत करके आए, और उनके खिलाफ में आरजेडी के जो है रोशन कुमार चुनाव लड़ रहे थे 2010 का चुनाव, जब नीतीश कुमार ने शानदार जीत हासिल की पूरे बिहार में। तो 2010 का जो चुनावी नतीजा था वो यही था कि उदय नारायण चौधरी को 44,126 वोट वहाँ पर आए थे, वो जीत करके आए थे, जदयू में थे उस वक्त, और रोशन कुमार आरजेडी के थे, निकटतम उनके प्रतिद्वंदी थे, और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ चुनाव वो हारे थे 1,211 वोट से। ये 2010 के चुनावी नतीजे हैं। लेकिन जब आप 2010 के बाद आप आगे आते हैं 2015 में, तो यहाँ पर तस्वीर पूरी उलट हो गई। तस्वीर ऐसे उल्टी कि जितन राम मांझी जो हैं वो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से चुनाव जीत करके आए, उनको करीब करीब 80,000 वोट यहाँ पर आए, और उन्होंने जीत हासिल की जो है जेडीयू के उदय नारायण चौधरी से, जिनको वहाँ पर सिर्फ 50,000 करीब वोट आया था, जबकि मांझी को जो वोट आया था, जो अंतर था जीत हार का, वो करीब करीब जो है 29,500 वोट का था। ये 2015 के नतीजे थे, यानी कि जीतनराम मांझी ने नीतीश कुमार के उस तिलिस्म को जो 2010 में वहाँ पर दिखा था इमामगंज सीट पर, उसको तोड़ दिया था, और उदय नारायण चौधरी वहाँ रहते हुए भी चुनाव हार गए थे, और अंतर बड़ा था, करीब करीब 29,500 वोट से मांझी ने चुनाव हराया था। मांझी ने अपनी इस परफॉर्मेंस को 2020 में भी कायम रखा, जब तक जैसे भी कि लहर चली पूरे दक्षिण बिहार के इलाके में, मगध के इलाके में, आपको शाहबाद के पूरे इलाके में, उस इलाके में उनकी बादशाहत कायम रही मांझी की, और जितना मांझी ने लगभग उतना ही वोट यहाँ फिर से हासिल किया जो कि 2015 में उनको आया था, और 78,762 वोट जो हैं वो मांझी को आए थे। जबकि उदय नारायण चौधरी नीतीश कुमार से नाराज हो चुके थे, नीतीश कुमार का उन्होंने साथ छोड़ दिया था, और नीतीश कुमार का साथ छोड़ करके वो आरजेडी में चले आए, और जब वो चुनाव लड़ते हैं ऐसे वक्त में, जब वहाँ पर उनके एक त्रिकोणीय मुकाबला चिराग पासवान वहाँ पे बना रहे थे, तो उस दौरान उदय नारायण चौधरी को 62,728 वोट आए, और वो मांझी से 16,034 वोट से हार गए, और यहाँ पर चिराग पासवान की पार्टी से शोभा सिन्हा चुनाव लड़ रही थी, और उनको 14,197 वोट आए थे। अगर मांझी और लोजपा रामविलास के अगर वोट शेयर को जोड़ देते हैं, तो उदय नारायण चौधरी बहुत मेहनत के बाद भी करीब करीब जो है फिर से 28,000-29,000 वोट से चुनाव हारते हुए 2020 में नज़र आए। तो इस बार क्योंकि उदय नारायण चौधरी के बारे में चर्चा है कि महागठबंधन से उनको ही मौका मिलने जा रहा है, लेकिन जो जीतनराम मांझी का परिवार है वो तय नहीं कर पा रहा है कि बेटा लड़े या बहू लड़े। अगर ऐसी स्थिति बनती है कि कोई भी लड़े देवांशु जी, और वहाँ पे क्योंकि उदय नारायण चौधरी लगातार वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, भले पार्टी बदलती चली गई हो, जीत करके भी आए 2010 में, 14-15 और उसके बाद फिर 20 में चुनाव हार गए, क्या उदय नारायण चौधरी अभी भी उस इलाके में इतनी हैसियत रखते हैं कि वो टक्कर देंगे वहाँ पर? देखिए वही चुनाव लड़ेंगे, ये शुरू से ही वो चुनाव जो है रोहित वहाँ से लड़के आ रहे हैं। देखिए आपने जब 2020 का आंकड़ा आप बता रहे थे, तो देखिए उस रीजन में ना चिराग पासवान ने कई सीटों पर जो है, खासकर गया जिले के ही मैं बात कर रहा हूँ, जहानाबाद जिले के भी मैं अगर मैं देख लूँ, कई विधानसभा सीटों पर चिराग फैक्टर काम किया था। इस सीट पर जो है चिराग की महिला उम्मीदवार थी, लेकिन वो फैक्टर काम नहीं किया था, मतलब कि हाई मार्जिन से जीतनराम मांझी ने 2020 में जीत जो है दर्ज की थी। तो इस अगर आरजेडी के साइड से लगभग क्लियर है, लोक सूत्र बता भी रहे हैं कि उदय नारायण चौधरी ही उम्मीदवार जो हैं होने जा रहे हैं उस साइड से, और ज़्यादा प्रयोग जो है वो करेंगे नहीं। देखिए आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं उदय नारायण चौधरी, एक चले गए श्याम रजक चले गए, अब इनको नाराज नहीं करना चाहेंगे अभी, इसलिए दे देंगे। ठीक है, तेजस्वी भी जानते हैं कि अभी उदय नारायण चौधरी को दे देंगे, अगर उनको प्रयोग करना होगा ना तो 2025 में कर लेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे। बहुत मतलब हाँ। लेकिन इसका असर तो जाएगा ना, मतलब जो मनोबल होता है पार्टी का वो तो टूटेगा, क्योंकि जब चुनाव आप हारेंगे तो फिर आपको आपके पास कहने के लिए बहुत कुछ होगा नहीं फिर। हाँ, बहुत कुछ होगा नहीं, लेकिन देखिए, लेकिन अगर चुनाव इस बार हारते हैं उदय नारायण चौधरी, तो शायद 20 में पत्ता काटने में तेजस्वी को भी आसानी हो, कि बार बार हार रहे हैं तो एक नए युवा चेहरा को भी वो मौका दे दें। लेकिन तेजस्वी अपनी लाइन पर कायम रहते, आरजेडी के फाउंडेशन डे के दिन तेजस्वी ने जो कहा था फेस वैल्यू वाले नेताओं को जो है वो तवज्जो देंगे, फेस वैल्यू तो है इनका, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, उदय नारायण चौधरी हार गए, हो सकता है इस बार कुछ कर जाए, लेकिन फिर भी हम पार्टी के लिए इमामगंज सीट जो है वो स्ट्रांग जोन में है अभी भी।
देखिए हम के स्ट्रॉन्गजोन में ही इमामगंज सीट जहाँ जीतनराम मांझी चुनाव जीत करके आए थे 2015 और फिर 2020 में, मौजूदा वक्त में जीतनराम मांझी सांसद हो चुके हैं गया लोकसभा सीट से और जीतनराम मांझी केंद्रीय कैबिनेट में मोदी के साथ मंत्री भी हैं। इस बार परिवार में तय नहीं कर पा रहे हैं कि किसको टिकट दिया जाए, बेटा या बहू। लड़ाई अंदर खाने से चल रही है, कोई कुछ भी खुल के कह नहीं रहा है। तमाम पार्टी के नेताओं ने चुप्पी साध रखी है क्योंकि फैसला मांझी और संतोष सुमन को ही करना है जो कि पार्टी के को चला रहे हैं। जाहिर तौर पर फैसला जो होगा उसके बाद देखना होगा कि महागठबंधन और इनके बीच में मुकाबला किस तरीके का है, लेकिन जो चुनावी गणित पिछले 2-3 चुनावों के सामने आए उसे यही लग रहा है कि पलरा तो है वो जितना मांझी का ही फिलहाल भारी चल रहा है। फिलहाल इतना ही देखते हैं न्यूज़ फॉर नेशन।